आचार्य ये देख हैरान रह गए। उन्होंने सुकन्या से उत्सुकतावश पूछा, क्या कर रही हो सुकन्या? शस्त्रों का निर्माण, सुकन्या ने जवाब देते हुए कहा। उसके बाद सुना आचार्य को झटका सा लगा और वो बोले, ये कैसा खेल है? बिना किसी ज्ञान के तुम भला शस्त्र निर्माण कैसे करोगी? उनकी बात को पकड़ते हुए सुकन्या बोली, आचार्य बिना शिक्षा के भला मैं भी कैसे अपना लक्ष्य निर्धारण करूंगी, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आगे क्या करना है और किस प्रकार अपने लक्ष्य को बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोग में लाना है। सुकन्या के उत्तर ने आचार्य के चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर दी और वो बोले, मुझे तुमसे यही आशा थी। अब जब तुमने अपना लक्ष्य बढ़ाकर समर्पण का भाव दिखाया है तो मुझे कुछ हल निकालना होगा। तक्षशिला का प्रवेश तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारी शिक्षा का अवश्य है। चाणक्य की बात सुन सुकन्या ने उनको नमन किया और बोली, आचार्य मुझे बस शिक्षा ही चाहिए, और शिक्षा के लिए आवश्यक है एक शिक्षक, न कि तक्षशिला। और आपसे बेहतर शिक्षक और कोई नहीं हो सकता। चाणक्य ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, मैं कुछ सोचता हूं, तुम आश्रम लौट जाओ। आचार्य की बात सुन सुकन्या के मुंह पर एक संतोष का भाव था और वो खुशी खुशी आश्रम की तरफ बढ़ गई। सूर्योदय हो चुका था, चिड़ियों की चहचहाट से चंद्रगुप्त की नींद खुली और वो अपनी कुटिया से बाहर आया। चंद्रगुप्त को देखकर सूरजमल बोला, चलो चंद्रगुप्त, आज तुम्हें तीरंदाजी का अभ्यास करना है। यह सुनकर चंद्रगुप्त का मुख खिल उठा, क्योंकि आखिरकार उसे सूरजमल द्वारा धनुष विद्या का ज्ञान जो प्राप्त होने वाला था। तभी चंद्रगुप्त की भेंट सुकन्या से हुई, जिसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी हंसी देख जब चंद्रगुप्त ने कारण पूछा तो सुकन्या ने एक ही सांस में आचार्य से हुई बात कह डाली। कुछ समय पश्चात चंद्रगुप्त और सुकन्या सूरजमल के साथ आश्रम से कुछ दूर एक मैदान में थे। उस मैदान में कई तरह के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। सूरजमल ने शस्त्रों से एक धनुष उठाया और चंद्रगुप्त को उसे पकड़ा सामने की ओर देखने को कहा। चंद्रगुप्त ने देखा कि एक विशालकाय बरगद के वृक्ष की शाखाओं से छोटी छोटी नकली चिड़िया लटक रही थी। सूरजमल ने चंद्रगुप्त को एक बाण देते हुए कहा, सामने लटक रही चिड़िया ही आज तुम्हारा लक्ष्य है और तुम्हें अपने बाणों से इनको भेदना है। याद रहे, एकाग्रता ही लक्ष्य को भेदने का एकमात्र उपाय है। चंद्रगुप्त ने ठीक सूरजमल के कहे अनुसार जैसे ही बाण छोड़ा वो जाकर दूसरी दिशा में गिर गया। इससे चंद्रगुप्त और सुकन्या थोड़े मायूस हो गए। सूरजमल ने चंद्रगुप्त से कहा, दोबारा प्रयास करो, अगला बाण उठाओ। चंद्रगुप्त ने अगला बाण उठाया और एक बार फिर पूरी एकाग्रता के साथ उसे छोड़ा, लेकिन ये बाण भी थोड़ी दूर जाकर नीचे गिर गया। सूरजमल फिर बोले, अगला बाण, और एक बार फिर चंद्रगुप्त ने प्रयास किया। इस प्रकार अभ्यास करते करते दोपहर हो गई। चंद्रगुप्त का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसका एक भी बाण निशाने पर नहीं लगा था। पेड़ पे लटकी उन चिड़ियाओं में से एक भी चिड़िया को उसका बाण भेद नहीं पाया था। चंद्रगुप्त की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। सूरजमल भी उसके प्रदर्शन से निराश था। चंद्रगुप्त बोला, क्या मैं किसी और शस्त्र का अभ्यास नहीं कर सकता? सूरजमल बोले, नहीं चंद्र, अगर तुम्हें तक्षशिला में प्रवेश पाना है तो हर शस्त्र में कौशल अनिवार्य है। हताशा चंद्रगुप्त पर हावी हो चुकी थी, वो दोबारा अभ्यास करने की स्थिति में नहीं था। सुकन्या से यह सब देखा नहीं गया और तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने साथ लाए खाने की पोटली से एक सेब निकाला और वहां रखे शस्त्रों में से एक कटार उठा ली। अगले ही पल वो भागते हुए बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई और सेब को अपने सर पे रखकर चिल्लाई, चंद्रगुप्त अब लगाओ निशाना। चंद्रगुप्त और सूरजमल ने उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गए। सूरजमल ने घबरा कर आवाज लगाई, सुकन्या तुम्हें ठीक नहीं कर रही हो, चंद्रगुप्त का निशाना अभी कच्चा है, अगर गलती से बाण इधर उधर हो गया तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं।
सुकन्या ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया। मुझे कुछ नहीं होगा आचार्य, मुझे विश्वास है कि चंद्रगुप्त सही निशाना लगाएगा। चंद्रगुप्त घबराते हुए बोला, नहीं सुकन्या, मैं तुम्हारे प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता। तभी सुकन्या ने कटार अपनी गर्दन पर रख दी और बोली, यदि तुमने निशाना नहीं लगाया तो यह कटार मेरे गले के आर पार हो जाएगी। तुम्हारे पास बहुत कम समय है चंद्र, इससे पहले यह कटार मेरे गले के पार जाए निशाना लगाओ। सूरजमल और चंद्रगुप्त सुकन्या की इज्जत देखकर हैरान थे। सुकन्या बड़ी तेजी से कटार को अपनी गर्दन में चुभा रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। चंद्रगुप्त से यह देखा नहीं गया और उसने एक बार फिर बाण उठाकर उसे धनुष पर चढ़ाया और धीरे से प्रत्यंचा को खींचा। सूरजमल कभी सुकन्या तो कभी चंद्रगुप्त को देख रहा था। चंद्रगुप्त ने पूरी एकाग्रता के साथ अपना ध्यान सुकन्या के सर पर रखे सेब पर केंद्रित किया। एक पल के लिए उसने अपनी आंख बंद करी और जब आंख खोली तो सामने सिर्फ सेब दिखाई दे रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने तेजी के साथ बाण छोड़ दिया। उसके बाण छोड़ते ही सूरजमल सुकन्या की तरफ मुड़ा तो वहां का दृश्य देख अवाक रह गया। सुकन्या सकुशल थी और चंद्रगुप्त द्वारा छोड़े गए बाण ने सेब को दो टुकड़ों में काट कर रख दिया था। सुकन्या उस स्थान से हट गई और चंद्रगुप्त ने फिर से बाण उठाए और एक एक करके पेड़ पर लटकी सभी चिड़ियाओं को अपने बाणों से भेद दिया। सूरजमल यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम्हारा आज का अभ्यास पूरा हुआ चंद्रगुप्त। अब सुकन्या भी चंद्रगुप्त के साथ थी। चंद्रगुप्त ने उसे देख मानो आंखों ही आंखों में उसका धन्यवाद किया। चंद्रगुप्त और सुकन्या मुड़कर आश्रम की तरफ जाने को हुए तभी सूरजमल ने पीछे से आवाज लगाई, चंद्र। चंद्रगुप्त तेजी से पीछे पलटा तो देखा कि सूरजमल ने एक सेब हवा में उछाल दिया था। चंद्रगुप्त ने तुरंत अपने धनुष से निशाना साधा और उस सेब को हवा में ही छलनी कर दिया। यह देख सुकन्या और सूरजमल का चेहरा खिल उठा। चंद्रगुप्त के अंदर मानो एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। ठीक उसी वक्त वहां से कई सौ योजन दूर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अमात्य अपनी कक्ष में बैठे किसी विषय पर गंभीर चिंतन कर रहे थे। तभी उनके कक्ष में उनका एक सेवक भागते हुए आया और बोला, महामंत्री जी, एक सैनिक किसी गुप्त सूचना के साथ मंत्री शंभुनाथ के कक्ष की तरफ बढ़ रहा है। आपका आदेश हो तो क्या हम उसे यहां पकड़ कर ले आए? नहीं नहीं, यह बोल अमात्य खुद तेज कदमों से शंभुनाथ के कक्ष की तरफ बढ़ चले। संदेश ले जा रहा सैनिक शंभुनाथ के कक्ष के बाहर पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक ताड़पत्र था जिसे चाणक्य ने ही एक संदेश वाहक के द्वारा भिजवाया था। कक्ष में शंभुनाथ के साथ मंत्री शक्तार भी मौजूद थे। तो सैनिक उस ताड़पत्र के साथ अंदर प्रवेश करने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज लगाकर अमात्य ने उसे रोक दिया। यह सुन शंभुनाथ और शक्तार भी कक्ष से बाहर निकल आए। अमात्य ने पास आते ही सैनिक के हाथ से वो ताड़पत्र छीन लिया और कठोर आवाज में पूछा, किसके लिए है यह संदेश? ये देख वहां खड़े शंभुनाथ और शक्तार हैरान रह गए। मंत्री शंभुनाथ के लिए, सैनिक ने नजर नीची करते हुए जवाब दिया। अमात्य ने शंभुनाथ और शक्तार दोनों की तरफ देखते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्षमा श्रीमान, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमें महाराज धनानंद द्वारा यह आदेश दिया गया है कि महल में आने वाले हर सूचना पत्र की जानकारी हमें हो। यह सुन शंभुनाथ और शक्तार दोनों के होश उड़ गए। उन्हें मालूम चल चुका था कि यह संदेश अवश्य ही चाणक्य ने भेजा होगा, लेकिन संदेश को अमात्य के हाथ में जाते देख उनके माथे पर चिंता की रेखाएं उभरने लगी। वो अमात्य को रोकना चाहते थे लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझ उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। अमात्य ने वो ताड़पत्र खोला और अंदर देखा तो वो पत्र कोरा था, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। वो हैरान रह गए कि भला ऐसा संदेश कोई क्यों भेजेगा। वो शंभुनाथ की तरफ हैरानी में देखते हुए बोले, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, भला ये कैसा संदेश है? शंभुनाथ और शक्तार समझ गए थे कि यह पत्र जरूर चाणक्य ने किसी युक्ति के तहत भेजा है। शंभुनाथ असमंजस से भरा चेहरा बनाते हुए बोले, पता नहीं महामंत्री, शायद किसी ने गलती से
कोरा कागज ही भेज दिया है। वैसे पड़ोस के एक राज्य से मुझे संदेशा आना तो था, लेकिन संभवतः उनसे कोई चूक हो गई होगी। अमात्य के मुख पे हार जाने के भाव उभर आए और वो तिल मिलाते हुए उस सैनिक से बोले, कौन देकर गया है यह संदेश? सैनिक अमात्य के गुस्से को देखकर सिपक आ गया और हड़बड़ाते हुए बोला, महामंत्री, एक बाहरी संदेशवाहक था। कौन से राज्य से आया था? उन्होंने गरजते हुए पूछा। महामंत्री, वो तो नहीं पूछा, सैनिक ने डर से कांपते हुए कहा। शंभुनाथ अमात्य का पीला पड़ा चेहरा देख मन ही मन खुश हो रहे थे। अमात्य ने झुंझुलाते हुए वो ताड़पत्र फाड़ कर वहीं फेंक दिया और बड़ी तेजी से वहां से निकल गए। उनके पीछे वो सैनिक भी वहां से चला गया। शंभुनाथ ने तुरंत ही वो पत्र उठाया और एक कुटिल मुस्कान के साथ चकटार की तरफ देखा। चकटार के मुख पे भी कुटिल मुस्कान उभर आई। वो उस फटे हुए पत्र को लेकर कक्ष में आ गए। उन्होंने तुरंत उस कोरे पत्र को किसी तरह जोड़ा, जैसे कि उन्हें पता था कि इसमें लिखे संदेश को कैसे पढ़ना है। उस पत्र को जोड़ शंभुनाथ उसे एक चलते हुए दिए के पास ले गए और जैसे ही उस दिए के सामने उस ताड़पत्र को रखा, पीछे से पड़ती रोशनी में उसमें लिखा हर एक शब्द कुंदन की तरह दमकने लगा। शंभुनाथ और शक्तार दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। शक्तार ने गंभीर होते हुए दबी आवाज में कहा, आचार्य चाणक्य की सूझबूझ की दाद देनी होगी। अगर यह संदेश इस तरह न भेजते तो आज तो हमारा सारा भेद ही खुल जाता। यह सुन शंभुनाथ ने भी हामी भरी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अमात्य बस ऐसे ही एक मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज चाणक्य की चालाकी ने उन्हें बाल बाल बचा लिया था। शंभुनाथ ने संदेश पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मुझ पे दो बार जानलेवा हमला हो चुका है। इसका मतलब है कोई हमारे उद्देश्य से परिचित है। आप लोग थोड़ा और सावधान हो जाइए और हर कदम फूंक फूंक के रखिए। संदेश पढ़ शंभुनाथ और शक्तार दोनों चिंतित हो उठे। शंभुनाथ ने तुरंत ही वो ताड़पत्र आग के हवाले कर दिया और शक्तार की तरफ देखते हुए बोले, अमात्य की नजर हम सब पे तो है ही, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस षड्यंत्र का हिस्सा आचार्य चाणक्य की पत्नी यशोधरा बने। अगर अमात्य को उनके पाटलिपुत्र में होने की भनक भी लगी तो अनर्थ हो जाएगा। चाणक्य की चतुराई ने आज शंभुकाका और मंत्री शक्तार को बचा लिया था, लेकिन इस बात से अनजान चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रवेश को लेकर चिंतित थे। तक्षशिला का नियम था कि प्रवेश परीक्षाएं शुक्ल पक्ष में ही आयोजित होती थी, यानी जिन दिनों चांद दिखता है, खासतौर पर पूर्णिमा के दिन को प्रवेश परीक्षा के लिए सबसे उत्तम माना जाता था। चाणक्य तक्षशिला के पुस्तकालय में पुस्तक खोजते हुए घूम रहे थे, पर पुस्तक खोजने के बजाय उनकी अवस्था बता रही थी कि मानव वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। कुछ ही देर में वो पुस्तकालय के एक खंड से दूसरे खंड की ओर बढ़ गए। तभी अपने पीछे किसी के होने की आहट सुन उन्होंने बगैर मुड़े ही सवाल किया, क्या समाचार है? पीछे खड़ा आदमी तक्षशिला का ही एक कर्मचारी था। उसने दबी हुई आवाज में चाणक्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आचार्य, प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत योजनाओं पे काम चल रहा है। उन योजनाओं में आचार्य गजानन और उनके साथ कई पुराने छात्र शामिल हैं। वो लोग मिलकर चंद्रगुप्त की प्रवेश परीक्षा को कठिन से कठिन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग राजकाज से जुड़े प्रश्नों की सूची तैयार कर रहे हैं तो कुछ तर्कशास्त्र की। दूसरी तरफ एक और कठिन परीक्षा की तैयारी की जा रही है। ऐसा कहते कहते वो आदमी रुक गया। राजकाज या तर्कशास्त्र से जुड़े प्रश्न तो ठीक थे, लेकिन उनके साथ एक और कठिन परीक्षा का नाम सुन चाणक्य के माथे पर उभरी चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। वो बगैर मुड़े ही बोले, कौन सी परीक्षा? आचार्य की बात सुन वो आदमी थोड़ा और पास आया और तभी आवाज मन से कुछ बोल वहां से चला गया। उसके जाते चाणक्य किसी गहरी सोच में पड़ गए और गंभीर हो अपनी उंगलियों पर कुछ गिनने लगे। एक तरफ जहां चाणक्य की दुविधा चंद्रगुप्त को लेकर थी,
तो वहीं मगध के वैश्यालय में बैठे अमात्य शंभुनाथ और शक्तार को लेकर चिंतित थे। उस सैनिक से संदेश मिलते ही उन्हें ऐसा लगा था मानो आज उन दोनों का फांडा फोड़ कर ही रहेंगे, लेकिन उनकी जल्दबाजी के चलते उनका दाव उल्टा पड़ गया। पर उस पत्र को उनके हाथों में जाने से रोकने का भी तो यही एक उपाय था। उस घटना के बाद उन्होंने कक्ष से बाहर निकल उस संदेशवाहक को ढूंढवाने का प्रयास भी किया, मगर वो संदेशवाहक जिस हवा के झोंके की तरह संदेशा लेकर आया था उसी हवा के झोंके की तरह गायब भी हो गया। इन्हीं सब सवालों से घिरे अमात्य से अब रहा नहीं गया और उन्होंने हाथ में पकड़े मदिरा के प्याले को जमीन में पटक आंखों में लावा लिए बोले, मैं सब समझ रहा हूं, तुम दोनों कठपुतलियों को नचाने वाला और कोई नहीं चाणक्य है, बुद्धि उसी की है, तुम दोनों तो सिर्फ मोहरे हो, तुम्हारे विरुद्ध बस एक प्रमाण, शक्तार और शंभुनाथ, तुम दोनों में से किसी एक के भी विरुद्ध राजद्रोह का एक प्रमाण और फिर तुम दोनों की लगाम मेरे हाथों में होगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्होंने मुट्ठी को इतना कस के भींचा था कि मानो किसी लोहे की छड़ को भी टेढ़ा कर दे। प्याला गिरने की आवाज सुन उनको मदिरा पिला रही वैश्या वहां आ चुकी थी। उसने अमात्य के वाक्य सुन लिए थे। वो जैसे ही मदिरा का प्याला उठाने को आगे बढ़ी, अमात्य ने उसे हाथ के इशारे से ही रोक दिया और बोले, एकांत। उनकी आवाज सुन उस वैश्या में वो प्याला उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सर झुकाकर उनका अभिवादन किया और बाहर जाने लगी, लेकिन तभी कुछ सोच वो पलटी। ये देख अमात्य का गुस्सा और बढ़ गया और वो चिल्लाए, मैंने कहा एकांत। अमात्य का गुस्सा देख वो वैश्या सक पका गई, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए बोली, क्षमा करें महामंत्री, आपको सुझाव देने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी आप महामंत्री हैं, राज्य के रचयिता हैं, आप निर्माण कर सकते हैं तो सर्वनाश भी। आपको अपने विरोधियों के विरुद्ध राजद्रोह का प्रमाण नहीं मिल रहा है तो आप प्रमाण बना भी तो सकते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपना सर झुका लिया। अमात्य कुछ क्षण शांत रहे और फिर उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। वो मुस्कुराते हुए उस वैश्या से बोले, आज पूरी रात हमें मदिरा तुम पिलाओगी। रात्रि का एक प्रहर बीत चुका था। आचार्य चाणक्य तक्षला से लौट आए थे। आश्रम में प्रवेश करते ही वो सीधे चंद्रगुप्त की कुटिया में गए, जहां सूरजमल उसे कुछ पाठ कंठस्थ करवा रहा था। आचार्य के प्रवेश करते ही सूरजमल और चंद्रगुप्त ने अभ्यास बीच में ही रोक दिया। दोनों ने आचार्य को प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए आचार्य ने पूछा, सूरजमल क्या स्थिति है, चंद्रगुप्त का शस्त्र और शास्त्रों का अभ्यास कैसा चल रहा है? सूरजमल ने जवाब दिया, मेरी समझ से चंद्रगुप्त प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार है। आचार्य संतुष्ट दिखे और उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तो कल तक्षशिला चलने के लिए तैयार रहो। चंद्रगुप्त ने जैसे ही यह सुना तो उसका शरीर रोमांच से भर उठा। जिस प्रवेश परीक्षा के लिए वो इतने दिनों से प्रयासरत था, आखिरकार वो समय कुछ ही प्रहर दूर था। तभी चंद्रगुप्त को सुकन्या का ध्यान आया। उसे एहसास हुआ कि उसके यहां से चले जाने के बाद सुकन्या अकेली पड़ जाएगी। ये सोच वो मन ही मन बोला, नहीं नहीं, मैं सुकन्या को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे आचार्य से इस संबंध में बात करनी ही होगी। आचार्य चाणक्य उसके कुटिया से बाहर निकलने ही वाले थे कि उन्हें रोकते हुए चंद्रगुप्त बोला, किंतु आचार्य सुकन्या का क्या होगा? उसकी बात सुन आचार्य बोले, तुम बस अपनी तैयारी पे ध्यान दो, और कुटिया से बाहर चले गए। आचार्य का यह व्यवहार देख चंद्रगुप्त को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। सुकन्या की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अगली सुबह चंद्रगुप्त जल्दी ही उठ तैयार हो गया।
तैयार होकर वो सीधे सुकन्या की कुटिया की ओर गया, लेकिन सुकन्या वहां नहीं थी। चंद्रगुप्त सोच में पड़ गया कि सुकन्या इतनी सुबह कहां जा सकती है। उसने सुकन्या को पूरे आश्रम में खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी उसकी भेंट सूरजमल से हुई। सूरजमल को देख चंद्रगुप्त ने पूछा, सुकन्या कहां है? सूरजमल बोले, इसका उत्तर तुम्हें आचार्य ही दे सकते हैं। चंद्रगुप्त ने जैसे ही यह सुना, वो दौड़कर आचार्य चाणक्य की कुटिया में पहुंच गया। आचार्य वहां तैयार होकर बैठे थे। उन्हें देखते ही चंद्रगुप्त बोला, आचार्य सुकन्या कहां है? मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद सुनकर आचार्य मुस्कुरा उठे, और तभी एक लड़के ने कुटिया में प्रवेश किया। चंद्रगुप्त उस नए लड़के को देखकर हैरान था और आचार्य से बोला, ये कौन है आचार्य? क्या ये आपका कोई नया शिष्य है? सुकन्या कहां है? कहीं आपने उसे वापस उसके गांव तो नहीं भेज दिया? चंद्रगुप्त की ओर से आते इतने सारे प्रश्नों को सुन आचार्य बोले, शांत चंद्रगुप्त, पहले इससे मिलो। ये है सुकेतु, मेरा शिष्य, और आज से ये भी तक्षशिला में रहेगा। उसे देख चंद्रगुप्त बोला, तो ये भी प्रवेश परीक्षा देने जा रहा है? आचार्य ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं चंद्रगुप्त, ये मेरा शिष्य है, तक्षशिला का नहीं, और ये वहां एक छात्र बनकर नहीं बल्कि सेवक बनकर रहेगा। चंद्रगुप्त आचार्य की बातें सुनकर हैरान था। वो बोला, किंतु सुकन्या वो कहां है? तुम्हारे ठीक सामने चंद्रगुप्त। सुकेतु के मुंह से यह सुनकर चंद्रगुप्त ने ध्यान से उसकी ओर देखा तो सुकेतु के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे पहचानते ही चंद्रगुप्त आश्चर्य से बोला, सुकन्या सुकेतु, अर्थात सुकन्या ही सुकेतु है? यह सुन सुकन्या ने मुस्कुराते हुए हां में सर हिला दिया। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की ओर देखा तो वो बोले, तक्षशिला में तुम जो भी सीखोगे वो तुम गुप्त रूप से सुकन्या को भी सिखाओगे। चंद्रगुप्त ने हंसते हुए उत्तर दिया, अवश्य आचार्य। चंद्रगुप्त ने सुकन्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और तक्षशिला में प्रवेश मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। तभी आचार्य बोले, चंद्रगुप्त मैंने अपना कार्य कर दिया है, अब इसके आगे जो करना है तुम्हें करना है। यदि तुम दोनों को तक्षशिला में रहकर विद्या ग्रहण करनी है तो तुम्हें आज होने वाली प्रवेश परीक्षा में सफल होना होगा। आचार्य की बात सुनते ही चंद्रगुप्त को अचानक से आभास हुआ कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। आज तक्षशिला के परिसर में काफी चहल पहल थी, क्योंकि कुछ प्रतिभागियों की परीक्षा होनी थी। वैसे तो तक्षशिला में हर मास सामान्य रूप से प्रवेश परीक्षाएं होती रहती थी, लेकिन आज चहल पहल ज्यादा इसलिए थी क्योंकि आज की परीक्षा सामान्य नहीं रह गई थी। आज उस छात्र की भी परीक्षा होनी थी जिसको आचार्य चाणक्य चुनकर लाए थे। परीक्षा का नियम यह था कि पहले ज्ञान से जुड़ी परीक्षा होगी और फिर उसके बाद साहस और विवेक की, लेकिन इस बार एक तीसरी परीक्षा भी जोड़ी गई थी जिसका अंदाजा परीक्षा समिति के सदस्यों के अलावा किसी को नहीं था। चयन समिति के पांचों सदस्य आकर अपने आसनों पर बैठ गए, जिसमें आचार्य गजानन भी शामिल थे। पक्षपात ना हो इसलिए इस समिति में आचार्य चाणक्य नहीं थे, क्योंकि परीक्षा देने वालों में से चंद्रगुप्त उनका उम्मीदवार था। चंद्रगुप्त को मिलाकर प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले कुल 8 लड़के थे। शिक्षकगण और तक्षशिला के छात्रों और सेवकों ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए। सुकेतु बनी सुकन्या और सूरजमल भी आकर एक तरफ बैठ गए। आचार्य चाणक्य भी अन्य शिक्षकों के साथ वहीं मौजूद थे। आज उन्हें रह रहकर धनानंद के दरबार में हुए अपमान का दृश्य याद आ रहा था, क्योंकि आज चंद्रगुप्त के साथ बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था। परीक्षा संचालक ने आगे आकर परीक्षा के शुरू होने की घोषणा की, जिसमें सबसे पहले छात्रों की बुद्धिमता को परखा जाना था।
परीक्षा संचालक सभी छात्रों को मैदान की एक तरफ ले गए जहां अनाज की बोरियों का ढेर रखा हुआ था। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, हर छात्र को अनाज की 10-10 बोरियां दी जाएंगी और आपको आधे प्रहर में ही अपनी 10 बोरियों में मौजूद अनाज को पास के गांव के लोगों में बराबर रूप से बांटना है। लेकिन हाँ, समय का आप सबको विशेष ध्यान रखना है। जो छात्र निर्धारित समय में अपने अनाज की पूरी मात्रा को गांव के लोगों में बराबर बांट देंगे वो छात्र उत्तीर्ण माने जाएंगे। बिगुल बजते ही आपका समय शुरू हो जाएगा। कुछ ही समय बाद बिगुल बज उठा और साथ में प्रतिभागियों के लिए समय का कांटा भी चल पड़ा। सब छात्रों ने कुछ मत सोचा और अलग अलग दिशाओं में जो भी गांव पास में मिला उसमें पहुंच गए और अपने अपने प्रयास शुरू कर दिए। चंद्रगुप्त एक गांव में पहुंचा और ध्यान से उस गांव का निरीक्षण कर उस गांव के मुखिया के घर पहुंच गया। उसने मुखिया से मिलकर एक सवाल किया जिसका उत्तर सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर तक्षशिला के मैदान में बैठे चाणक्य चिंतित हो रहे थे क्योंकि अभी तक चंद्रगुप्त के अनाज के ढेर की एक बोरी भी कम नहीं हुई थी, जबकि बाकी के प्रतिभागी अपनी अपनी युक्ति से कुछ बोरियां गांव पहुंचाने में लगे थे। सुकेतु पनी सुकन्या और सूरजमल भी एक तरफ बैठे परेशान से दिख रहे थे, जबकि आचार्य गजानन मनी मन खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि चंद्रगुप्त पहले पड़ाव में ही बाहर हो जाएगा। वहीं वीरसेन भी अपने साथी राजकुमारों के साथ बैठा जैसे चंद्रगुप्त के हारने का इंतजार ही कर रहा था। समय के गुजरने के साथ साथ चाणक्य के माथे पे चिंता की रेखाएं बढ़ती जा रही थी कि तभी चंद्रगुप्त मैदान की तरफ आते दिखा, जिसे देख चाणक्य के माथे की शिकन कुछ कम पड़ी। चंद्रगुप्त के पीछे गांव के मुखिया अपने साथ एक बैलगाड़ी लेकर आ रहे थे। चंद्रगुप्त ने तुरंत ही बैलगाड़ी पे अपनी सारी बोरियां रखवा दी और मुखिया बैलगाड़ी के साथ वहां से निकल गए। लेकिन अनाज का बराबर रूप से बांटने का कार्य अभी भी बाकी था। हर छात्र के क्रियाकलाप पे नजर रखने के लिए गुप्त रूप से कुछ सेवक लगाए गए थे ताकि छात्र की नियति का सही रूप से मूल्यांकन हो सके। चंद्रगुप्त का अनाज का ढेर अब पूरा खाली हो चुका था और साथ में तीन और छात्रों का भी, लेकिन चार छात्र अभी भी अनाज को बांटने में लगे थे। चंद्रगुप्त मुखिया के साथ गांव की तरफ नहीं गया, जिसे देख वहां मौजूद शिक्षकगण असमंजस में थे क्योंकि अनाज का उचित रूप से बंटवारा होना भी परीक्षा की शर्त थी। कुछ ही देर में बिगुल बजा, जिससे यह स्पष्ट था कि परीक्षा का निर्धारित समय खत्म हो चुका है। चाणक्य चंद्रगुप्त के चेहरे पर चिंता की जरा सी भी झलक न देख हैरान थे। परीक्षा संचालक ने आगे आकर पहले पड़ाव को पार करने वाले प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की, जिसमें तीन ही नाम थे, पहला कुमारिल, दूसरा रत्नाकर और तीसरा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का नाम सुन जहां चाणक्य की चिंता एक पल के लिए खत्म हो गई, वहीं आचार्य गजानन और उनके समीप बैठे आचार्य मेघनाथ की त्योरियां चढ़ गई। वीरसेन भी मन ही मन कुड़ के रह गया। विजेता छात्रों से अपने अपने कार्य को समझाने के लिए कहा गया, जिसमें कुमारिल ने बताया कि उसने कैसे एक बैलगाड़ी पे अपने सारे अनाज को रख घर घर जाकर अनाज बांटा। वहीं रत्नाकर ने बताया कि उसने कुछ लोगों की मदद से उस अनाज को गांव में एक जगह इकट्ठा कर सब गांव वालों को वहां से ले जाने के लिए बोला। जब बारी चंद्रगुप्त की आई तो सब उसके उपाय सुनने को उत्सुक थे। चंद्रगुप्त ने अपने उपाय को समझाते हुए कहा, सबसे पहले मैंने गांव के मुखिया को खोजना शुरू किया क्योंकि अनाज को बराबर रूप से बांटने में सबसे मददगार अगर कोई हो सकता है तो वो केवल एक ईमानदार मुखिया ही हो सकता है। तभी चंद्रगुप्त की बात काट एक शिक्षक ने प्रश्न किया, लेकिन तुमने ये कैसे परखा कि वो मुखिया ईमानदार है? चंद्रगुप्त बड़ी विनम्रता से बोला, आसान था। सबसे पहले मैंने गांव की उन्नति पे ध्यान दिया, जिसे देख पता चला कि मुखिया ने गांव के विकास में काम किया है। लेकिन फिर भी मैंने और ज्यादा संतुष्टि के लिए मुखिया जी से एक सवाल पूछा कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, और उनका जवाब था, ये पूरा गांव ही मेरा परिवार है। ये जवाब सुन मैं सुनिश्चित हो गया कि ये एक ईमानदार इंसान है और अगर मैं इनको अपना अनाज दूंगा तो निश्चित तौर पर ये लोगों में समान रूप से बांटेंगे। चंद्रगुप्त के इस उपाय ने सबको हैरान कर दिया कि कैसे एक छोटे से बालक ने इतनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए अपनी परीक्षा समय रहते पूरी की। चाणक्य की आंखों में चंद्रगुप्त के लिए गर्व झलक रहा था। सुकेतु बनी सुकन्या और सूरजमल भी चंद्रगुप्त को देख खुश थे।
लेकिन आचार्य गजानन मन ही मन सुलग रहे थे, जैसे कि उनके सपनों पे किसी ने आग लगा दी हो। कुछ समय के विश्राम के बाद परीक्षा संचालक ने परीक्षा के अगले पड़ाव की घोषणा की, जिसमें प्रतिभागियों को घुड़सवारी का प्रदर्शन करना था और एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी निर्धारित समय में तय करनी थी। तीनों प्रतिभागी अपने अपने घोड़ों की तरफ बढ़ चले, लेकिन चंद्रगुप्त को घोड़े की तरफ बढ़ते देख आचार्य गजानन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखर आई, क्योंकि उन्होंने अपनी चालाकी से चंद्रगुप्त के लिए एक ऐसा घोड़ा चुना था जिसको काबू में करना लगभग असंभव था। चंद्रगुप्त ने घोड़े के पास पहुंच जब उसे हाथ लगाया तो घोड़ा ऐसे बिदक उठा जैसे कि उसके किसी दुश्मन ने हाथ लगाया। घोड़े का सनकी व्यवहार देखकर चंद्रगुप्त हैरान रह गया। ये देख चाणक्य एक बार फिर चिंता में पड़ गए। वो समझ गए कि ये चाल आचार्य गजानन की है, लेकिन चंद्रगुप्त हिम्मत न हारते हुए घोड़े को काबू में करने की कोशिश करने लगा। तभी परीक्षा का बिगल बजा और समय का कांटा चल पड़ा। बाकी के प्रतिभागी अपने घोड़े पर सवार हो चुके थे और लगाम खींचने को तैयार थे, लेकिन चंद्रगुप्त का घोड़ा अभी तक काबू में ही नहीं आ पाया था। वो बार बार उसकी पीठ पे चढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन घोड़ा हर बार उसे गिरा देता। ये देख गजानन के चेहरे पे जीत की चमक दिख रही थी। चंद्रगुप्त कुछ सोचते हुए बड़ी शांति से घोड़े के सामने जा खड़ा हुआ और उसकी आंखों में बड़ी उम्मीद के साथ देखा। चंद्रगुप्त की आंखों में पशुओं के प्रति असीम प्यार की झलक थी। वो धीमे से घोड़े के और करीब पहुंचा, उसके माथे